जैसे अब मैंने आपसे कहा कि सुबह के टाइम ख्वातीन जो है नहीं, कुछ लड़कियां जिम जा सकती, तो सुबह का वर्कआउट क्या होना चाहिए जो आपको फ्रेश कर दे? बेसिकली सुबह आप योगा कर सकते हैं. अच्छा, ठीक है. योगा के कुछ पोजेज होते हैं, कुछ ब्रीथिंग्स होती हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज होती हैं. वो भी नहीं होता, आप वॉक कर सकती हैं. नॉर्मल वॉक बहुत अच्छा है. मॉर्निंग वॉक इज बहुत फ्रेश भी. मॉर्निंग वॉक, प्लीज इस पे थोड़ा सा हम बात करेंगे कि मॉर्निंग वॉक कितनी इंपॉर्टेंट है. और मॉर्निंग वॉक आपके एक तरह से बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, स्टार्ट देगा. एक अच्छी अच्छा स्टार्ट बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है. लाइक सुबह के वक्त जैसे हमारी कार अक्सर स्टार्ट नहीं होती है, जब हम जब तक बैटरी ऑफ कोर्स चार्ज नहीं होती. बिल्कुल बिल्कुल. तो इसी तरह हमें बॉडी ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मॉर्निंग वॉक आप अगर घर पे ही कर रहे हैं, थोड़ी सी चहलकदमी आपने बाहर ही कर ली, यू डोंट हैव टू गो टू द पार्क, अगर आप बाहर ही थोड़ी सी चहलकदमी कर ली. एग्जैक्टली ऐसा ही है कि आप अपने रूम में भी अगर इतना सा स्पेस है, आपको ऐसा होता है ना कि स्पेस अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे वॉक करें, मतलब बहाने ढूंढ रहे हैं कि नहीं हम कैसे होगा, हमारे पास तो स्पेस नहीं है, हम वॉक कैसे करेंगे. एक और मेरा सवाल है आपसे कि I mean, अगर हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के साथ साथ एक ही दिन में लाइक एक जो सेम डे है उसमें हम जिम भी कर सकते हैं शाम में? बिल्कुल कर सकते हैं. मैं तो ये भी सजेस्ट करती हूँ, जैसे फीमेल्स हैं ऑब्वियसली, अब मैरिड लाइफ हमारी इतनी ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल होता है, टाइम नहीं होता, तो अपने लिए टाइम निकालें, अपने लिए टाइम निकालें, लाजमी निकालें. स्पेशली रात को डिनर के बाद 20 मिनट्स, डिनर के बाद आप वॉक करें. डिनर के बाद वॉक बहुत अच्छा है आपकी, मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपको नींद अच्छी आएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा प्रॉपर वर्क करेगा. अच्छा, अब ये ओवर टू यू. डॉक्टर साहिबा ये बताएं कि क्या खाने के बाद हमें वॉक करनी चाहिए? बिल्कुल. अच्छा, इसके पीछे मैं रीज़न बताती हूँ कि क्यों करनी चाहिए. क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो एकदम से हमारा ब्लड शुगर शूट करता है. हाँ. ठीक है ना. तो अगर खाना खा के हम 15 मिनट 10 से 15 मिनट अगर चहलकदमी ही कर लें, तो वो जो ब्लड ग्लूकोज हमारे ब्लड में जा रहा है ना, ग्लूकोज वो ऑक्सीजन के साथ सारे मसल्स में जाएगा. तो जो खाने से ग्लूकोज हमें हासिल हुआ और उस ग्लूकोज का काम था मसल्स तक पहुँचना, उस ग्लूकोज का काम था पैंक्रियाज तक जाना, लिवर तक जाना, हड्डियों तक जाना, ब्रेन तक जाना, वो वॉक के जरिए चला जाएगा. ठीक है, कितनी देर? 20 मिनट्स इन्होंने कहा. 15 to 20 मिनट्स और हल्की वॉक खाने के बाद ये, और हर खाने के बाद, सिर्फ डिनर के बाद नहीं, अगर आप लंच प्रॉपर कर रहे हैं जब भी आप 10 मिनट वॉक करेंगे, अगर आप ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं तब भी आप घर में चहलकदमी करते रहेंगे, जितना मेन मील लेंगे उतनी आपको 10-10 मिनट वॉक करनी है. ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा. अच्छा. है. मैं अपने डायबिटिक पेशेंट्स का जब डाइट प्लान बनाती हूँ तो आफ्टर एवरी मील मैं 10 मिनट्स उनको वॉक कहती हूँ. अच्छा. आपका शुगर स्पाइक, ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करेगा. और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि सुबह की जो वॉक होती है वो आपकी बॉडी को इसलिए एनर्जी और हैप्पी हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज करती है, क्योंकि जैसे ही सुबह हम अच्छी ब्रिस्क वॉक करते हैं खाली पेट, तो हमारा हार्ट रेट बढ़ता है. जैसे ही हार्ट रेट बढ़ेगा एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करेगा एड्रीनल ग्लैंड ना. ओ. तो ये हैप्पी हार्मोन होता है कि आपको सुबह सुबह की फ्रेशनेस में आप जाए, निकले फ्रेश एयर. हैप्पी हार्मोन जैसे ही सुबह रिलीज होगा तो आपका पूरे दिन की एक्टिविटी ना आप सही तरीके से. लेकिन देखिए फ्रेश एयर की हम बात तो करें, लेकिन जिस शहर में हम रह रहे हैं वहाँ फ्रेश एयर तो है नहीं. बाहर निकलो तो कहीं पे मछलियों की ट्रक की स्मेल आ रही है, कहीं निकल रहे हैं तो गटर की स्मेल आ रही है, डस्ट इतना है बहुत ज्यादा. कोशिश भी करो ना, है ना. ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, यही आप पंजाब साइड में कहीं भी गए हो, लाहौर इस्लामाबाद, तो दिल चाहता है आपका कि आप थोड़ी खुली फिजा में जाएं, बैठें, थोड़ा वॉक करें. बट अब तो खैर लाहौर में भी स्मॉग का इतना चक्कर है, हवा आमना इतनी आलूदा है और इतनी स्मेल वाली हो गई है हर जगह. आप कह रहे हैं हर इलाके का, मैं तो कहती हूँ फिर आपके घर का टेरेस ही है. अगर अरे यार अब तो खिड़कियाँ भी नहीं खोली जाती, दिल भी चाहे ना कि आप विंडोज खोलें, थोड़ी फ्रेश एयर वेंटिलेशन हो, वो भी नहीं दिल चाहता. जरा सी आपने खिड़की खोली, आपकी अभी डस्टिंग हुई और सारी मिट्टी, और मेरे जैसा ओसीडी इंसान हो तो उसको तो हर थोड़ी देर बाद मिट्टी नजर आ जाती. मेरे तो घर में सब कहते हैं आपको पता नहीं कहाँ से कोनों कोनों में मिट्टी नजर आ जाती है. होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं. हर किसी का ना लेवल अलग होता है अपनी इर्द गिर्द की सराउंडिंग को मेंटेन करने. हाँ. का ठीक है. और मैं ये कहती हूँ ये चीज़ मैनिफेस्टेशन में प्रूव है, ये चीज़ रिसर्च में प्रूव है, आयुर्वेदा में, मेडिसिन में, सब चीज़ आपकी सराउंडिंग्स, आपकी नीटनेस, हाइजीन, ये बहुत मैटर करती है आपकी मेंटल हेल्थ पे. आप फील करते हो. इनफैक्ट कलर्स भी बहुत मैटर करते हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ पे. बिल्कुल.